बंगाल के तटीय इलाके में हुआ चक्रवाती तूफान रिमल का लैंडफॉल, 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवा। तूफान की वजह से कोलकाता शहर में जबरदस्त बारिश समुद्र तट से टकराते हुए आगे बढ़ा तूफान। महातूफान के असर से पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश, पूर्व मेदिनीपुर में जमकर बरसे बादल। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में तूफान के असर से उखड़ गए पेड़, एनडीआरएफ टीम ने सड़क से पेड़ हटाकर शुरू किया आवाजाही। चक्रवाती तूफान को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, बोले केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के साथ। रेमल के कारण कोलकाता एयरपोर्ट पर बरती जा रही चौकसी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर विमान सेवा निलंबित। तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बनाया गया कंट्रोल रूम, तेज हवाओं पर लगातार रखी जा रही नजर। चक्रवात रेमल को लेकर हावड़ा में रेलवे ने बरती सावधानी, एहतियात के तौर पर चेन लॉक की मदद से बांधा। तूफान को देखते हुए बांग्लादेश ने संवेदनशील इलाकों में 8 लाख लोगों को शिफ्ट किया, अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद। आज पश्चिम बंगाल, दक्षिण बांग्लादेश, ओडिशा के उत्तरी तट और पितृपुर में तूफान का अलर्ट, भारी बारिश की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार, यूपी की 25 सीटों पर लगाएंगे जोर, कुशीनगर, सलेमपुर और चंदौली में रैली। जेपी नड्डा का आज वाराणसी दौरा, कल भैरव काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, मारवाड़ी समाज और बुनकर समाज के साथ बैठक करेंगे। सीएम योगी आज घोसी बलिया रॉबर्ट्सगंज में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, वाराणसी में वकीलों से संवाद करेंगे। राहुल गांधी बिहार में भरेंगे हुंकार, पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा में जनता से मांगेंगे समर्थन। अरविंद केजरीवाल का आज अमृतसर में टाउन हॉल कार्यक्रम, जालंधर और लुधियाना में होने वाले रोड शो में शामिल होंगे। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी आज हिमाचल दौरे पर, कांगड़ा के चंबा और शाहपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव ने सातवें फेज के प्रचार में झोंकी ताकत, गाजीपुर में अफजाल अंसारी के लिए मांगेंगे वोट, चंदौली में अपील करेंगे। नतीजों से पहले 1 जून को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बुलाई, सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 300 सीट जिताने का भरोसा। इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम चेहरे पर खड़गे का बड़ा बयान, बोले चुनाव के बाद गठबंधन के लोग एक साथ बैठकर लेंगे फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अटल बिहारी वाजपेयी को बताया पीएम मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री, बोले तुलना नहीं की जा सकती। पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले बिलो द बेल्ट बात करना गलत। पीएम मोदी के मुझे वाले बयान को खड़गे ने बिहार से जोड़ा, कहा बिहार के लोगों का अपमान किया गया। खड़गे के बयान का पलटवार बीजेपी ने किया, सम्राट चौधरी बोले बिहार के लोग समझदार, मल्लिकार्जुन खड़गे का ज्ञान नहीं चाहिए। पीएम मोदी के मुझे वाले बयान पर अखिलेश यादव का वार, बोले आत्मविश्वास जब लड़खड़ा जाता है तो जुबान भी लड़खड़ा जाती है। यूपी के देवरिया में एनडीए गठबंधन पर पीएम मोदी ने बोला हमला, कहा 4 जून को देश नई उड़ान के लिए फैलाएगा पंख। पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार, बोले पाकिस्तान में इंडी गठबंधन के लिए दुआएं मांगी जा रही। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा दावा, बोली इस बार प्रधानमंत्री मोदी 400 नहीं 500 पार होंगे। तेजस्वी यादव का विवादास्पद बयान, बोले मैं तब तक बेड रेस्ट नहीं करूंगा जब तक पीएम को बेड रेस्ट पर ना पहुंचा दूं। तेजस्वी यादव ने किया बड़ा दावा, बोले सरकार बनने पर 1 करोड़ युवाओं को मिलेगी नौकरी, हर गरीब बहन को साल में 1 लाख रुपए भी देंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी के झूठ और भ्रम से जनता त्रस्त, इस बार देश की जनता उसको सिखाएगी सबक। लालू यादव पर गर्जे गृह मंत्री अमित शाह, पूछा लालू जी स्पष्ट करें कि किसका आरक्षण छीन कर मुसलमानों को देंगे रिजर्वेशन। अमित शाह का पार्टी पर बड़ा आरोप, कहा केजरीवाल ने पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम बनाया, चुनाव में पंजाब का पैसे कैसे खर्च करते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना में राहुल गांधी ने किया बाबा बेदी साहिब में मत्था टेका, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रहे मौजूद। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का पलटवार, बोले मोदी सरकार की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ एससी एसटी और ओबीसी को मिला। पंजाब के होशियारपुर में सीएम केजरीवाल ने किया रोड शो, बोले पंजाब तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा और जीतेगा। बठिंडा में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो, बोले अगर आपने हमारा साथ दिया तो अब की बार मोदी को दिल्ली से बाहर भगाएंगे। चंडीगढ़ में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं मोदी, रोजगार और गरीबी पर कुछ नहीं बोलते। पंजाब के पटियाला में प्रियंका ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा किसानों और जवानों के खिलाफ है बीजेपी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे एबीपी न्यूज से बोले आदिवासी हेमंत सोरेन को नहीं करते पसंद, चुनाव में आदिवासी समाज बीजेपी के साथ। केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख जनरल पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार दिया, वो 31 मई को रिटायर होने वाले। सेवा विस्तार देने के केंद्र के फैसले पर ओबीसी ने उठाए सवाल, लिखा सशस्त्र बलों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी पर ओवैसी का तंज, कहा वो दिन दूर नहीं जब पीएम मोदी कहेंगे मैं ही सब कुछ हूं और मेरी पूजा करो। AIMIM चीफ ओवैसी का लालू प्रसाद पर हमला, मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाया, कहा वो सिर्फ अपने परिवार को बचाने में लगे। यूपी की गोरखपुर सीट से SP उम्मीदवार काजल निषाद ने रवि किशन को बताया बाहरी, कहा आपके सांसद अपनी बेटी और पत्नी का मान नहीं रखते। पटना के मसौड़ी में जनसभा के बाद नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर नहीं कर सकता टेक ऑफ, सड़क मार्ग से पटना लौटे वापस। विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी है विभव कुमार। अफजाल अंसारी की अपील पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट के फैसले पर टिका अफजाल का चुनावी भविष्य। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि शहीदगाह मस्जिद विवाद याचिकाओं की पोषणीयता पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। राजकोट में TRP गेम जोन में हुए हादसे का CCTV फुटेज आया सामने, वेल्डिंग करते समय निकली चिंगारी से लगी थी आग। गेमिंग जोन में सामने आई बड़ी लापरवाही, नीचे ज्वलनशील पदार्थ रखा होने के बावजूद वेल्डिंग का काम हो रहा था। राजकोट गेमिंग जोन में हुए हादसे को लेकर कार्रवाई, गेमिंग जोन के 6 साझेदारों के खिलाफ FIR, 2 की गिरफ्तारी। राजकोट शहर में गेम जोन की में हुए हादसे में 28 लोगों की मौत, गेमिंग जोन में आग पर काबू करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। राजकोट गेमिंग जोन हादसे पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट ने राज्य के 4 बड़े शहरों के सभी गेम जोन की डिटेल मांगी। राजकोट हादसे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने निकाला कैंडल मार्च, अग्निकांड में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। मेमेत्रा ब्लास्ट मामले में अब तक 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि, मृतकों के परिजनों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। मेमेत्रा में बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट के 30 घंटे बाद भी चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, लापता मजदूरों के परिजनों ने धरना दिया। छत्तीसगढ़ बेमित्रा ब्लास्ट मामले में गरमाई सियासत, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप। NCP प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में सूखे की समस्या को बताया गंभीर, कहा सरकार इस आपात स्थिति पर तुरंत करे कार्रवाई। दिल्ली ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग में भीषण गर्मी के बीच हरिद्वार में ट्रैफिक जाम, हाईवे पर घंटों तक जाम में फंसे लोग। जम्मू कश्मीर के संगर रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई, मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बस और मैजिक की जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 6 लोग घायल। कर्नाटक के हसन के बाहरी इलाके इचन खल्ली के पास हादसा, ट्रक से टक्कर हुई, हादसे में 6 लोगों के मारे जाने की खबर। आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के शहादरा शीतल विहार में ब्रश फैक्ट्री में लगी आग, धू धू कर जला करोड़ों का सामान। गाजियाबाद की GRP पुलिस ने गुमशुदगी के 85 फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए, 17,66,000 की कीमत के मोबाइल बरामद। दिल्ली के इंडिया गेट के आसपास पानी का छिड़काव किया जा रहा, लू के चलते अगले 3 दिन तक दिल्ली NCR में रेड अलर्ट। राजस्थान के सिरोही में हीट वेव के बावजूद पर्यटकों की उमड़ी भीड़, वीकेंड होने के चलते बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी। राजस्थान के दौसा में 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, फिलहाल गर्मी से जल्द राहत के आसार कम। संगम नगरी प्रयागराज में भयंकर गर्मी का सामना कर रहे लोग, आसमान से बरस रही आग, पारा 45 डिग्री के पार। जून से पहले ही प्राणघाती गर्मी का सितम, गुलाबी शहर में जारी, भट्टी की तरह तप रही राजधानी, सड़कों पर सन्नाटा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में गर्मी का सितम जारी, आवारा जानवरों के लिए की गई पानी टप की व्यवस्था। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भीषण गर्मी के प्रकोप का शिकार हो रहे लोग, अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की भारी भीड़। यूपी के संभल में पंचाग्नि तपस्या कर रहे पागल बाबा की गर्मी से मौत, एक बार भी नहीं हुआ था स्वास्थ्य परीक्षण। राजस्थान के जोधपुर में लोगों को मिली गर्मी से राहत, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, तापमान में गिरावट आई। मध्य प्रदेश के खरगोन में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से लोगों को राहत मिली, आंधी से पेड़ों को नुकसान हुआ। राजस्थान के बाड़मेर में भीषण गर्मी का कहर जारी, हीट वेव से 31 मरीज भर्ती, अलर्ट पर प्रशासन, 50 डिग्री के करीब तापमान।